अलैकुम। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल की खिचड़ी। आपने अरहर की दाल चावल सुन देखे होंगे, मैं बना रही हूँ। ये देखें, ये अरहर की दाल है। इसको मैंने धो के खूब अच्छी तरह वॉश करके इसको रख लिया है। और इसमें मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको चॉप कर लिया है। अब इसको फ्राई करूँगी। आधी प्याली मैंने तेल लिया, आधी प्याली से ज़्यादा मैंने तेल लिया है। दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है और ये अरहर की, ये देखें, ये इसमें मैं दो मीडियम साइज की प्याज डालूंगी। इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक प्याज को ब्राउन कर लूँगी, फ्राई करूँगी, लाइट ब्राउन कर लूँगी। इसको ब्राउन हो गई है, मैं आधी इसमें प्याज निकाल लूँगी ऊपर से गार्निश के लिए, और आधी प्याज मैं इसी में ही रहने दूँगी। इसका पूरा ऑयल सेपरेट करके प्याज निकाल लूँगी। मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, ये दो तेज़पात के पत्ते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो तीन लौंगे और दो तीन काली मिर्चें हैं। इसमें इसका अरोमा आ जाएगा। हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। इसमें ये डेढ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे। देखें, ये 250 ग्राम यानी एक पाव अरहर की दाल है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दो से ढाई गिलास पानी डालूँगी इसको गलने के लिए। इसमें नमक अभी नहीं शामिल करूँगी, इसलिए ये हार्ड दाल होती है, ये गलती देर से। इसको गलने के बाद ये देखें, दाल बहुत मज़े की इसकी खिचड़ी बनती है। मैं इसके दाल चावल भी, मैं आपको अरहर की दाल और चावल भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये फिर भी खिचड़ी है, बहुत ही मज़े की। सारी खिचड़ी डिफरेंट होती है, बहुत मज़े की होती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। चावलों को धो के और इसको धो के भी भिगोने के लिए रख दिया था। अब हमारी दाल गल गई तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए और नमक। अब इस स्टेज पर मैं नमक डालूँगी। खिचड़ी, अरहर की दाल की खिचड़ी हमारी रेडी हो रही है। अभी मैं फिर आपको इसको दम पे लगाऊंगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके खिचड़ी के साथ। ये मैं चटनी बना रही हूँ। मैंने चार पांच गोल लाल मिर्चें ली हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा, पांच छह जवे लहसुन के लिए, दो तीन हरी मिर्चें ली हैं, नमक हसबे ज़ायका लिया, एक प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है, आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना। मैं इनको ब्लेंड कर पीस लूँगी। ये खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरहर की दाल की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। इसके दाल चावल भी बनते हैं खिचड़ी के, इस दाल के, और इसकी खिचड़ी भी बनती है। इसकी खिचड़ी बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट खिचड़ी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुदीने की, हरे धनिए की चटनी है, इमली की चटनी, ये हमारा अचार है और ये सैलेड है। इसके साथ ये लवाज़ इससे बहुत मज़े की चटनी लगती है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।